का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपको इंट्राडे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ चार मेहमान होंगे। भाविक पटेल हैं ट्रेडवुल सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, और साथ ही दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे हमारे साथ मनोज झा होंगे, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल से, जो उनका गोल्ड का आउटलुक आया है 2024 का, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ ही, क्योंकि जिस तरह की तेजी यहाँ पर दिखी थी कल इवनिंग के सत्र में, नॉन एग्री का मार्केट खुला हुआ था और वहाँ पर जबरदस्त तेजी दिखी, नया रिकॉर्ड फिर से बना, और चांदी में तो जबरदस्त रफ्तार थी, 95,500 रुपये के बेहद करीब चांदी कल पहुँच चुकी थी। हालांकि ऊपरी स्तरों से आज दबाव दिख रहा है, 74,000 के नीचे अब गोल्ड आ चुका है। चांदी की बात करें तो चांदी में भी करीब 1,500 से 2,000 रुपए तक की गिरावट दिख रही, तो इसे एक मुनाफा वसूली कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की रैली आई थी तो उसके बाद ये रिट्रेसमेंट तो होना था। जिगर आप बताइए, इस रैली के बाद अब क्या व्यू बन रहा है ट्रेडर्स के लिए, जो डे ट्रेडर है उनके लिए क्या सलाह है और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है गोल्ड और सिल्वर दोनों में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। सी कल का जो इवनिंग सेशन था उसमें हमने देखा गोल्ड सिल्वर क्रूड कॉपर हर एक कमोडिटीज में एक शानदार रैली थी। ओवर द वीकेंड जो ईरान के प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है एंड उनकी जो डेथ हुई है, उसके बाद ये स्पेकुलेशन हुआ था कि ये शायद एस्केलेट करेगा जियोपॉलिटिकल रिस्क को, जिसके पीछे हमने गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत अच्छी रैली देखी। गोल्ड सिल्वर दोनों में एक टेक्निकल लेवल्स भी हमने क्रॉस होते हुए देखे, 2450 भी टच किया है कॉमेक्स पे गोल्ड ने, सिल्वर ने टच किया है 3250, और ये लेवल्स जो है वो कई सालों बाद आए हैं सिल्वर में। एटलीस्ट गोल्ड ने तो ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई किया है। ये वीक में एफओएमसी की मीटिंग की मिनट्स है, दो तीन फेड के मेंबर्स के स्टेटमेंट्स भी है, एक्सपेक्टेशन तो यही है सेप्टेम्बर में शायद एक बार रेट कट होगा, बट ये साल में शायद एक ही बार रेट कट होने की गुंजाइश है और नहीं। बट अगर हम देखें इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपने पूछा है, जैसे ही गोल्ड एंड सिल्वर में मुमकिन है करेक्शन आ सकता है, फॉर इंट्राडे पर्पस वन कैन शॉर्ट ऑन सेल बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट सेल करके चले 74,000 के आसपास, 74,100 स्टॉप लॉस, 73,800 इज टारगेट। सिल्वर जुलाई भी सेल करके चले 94,000 के आसपास, 94,200 स्टॉप लॉस एंड 93,500 इज टारगेट। लेकिन अगर हम पोजिशनल व्यू की बात करते हैं यहाँ से दो महीना तीन महीना, मुझे लग रहा है किसी भी डीप पे एक अच्छा सा डिप आता है मार्केट में 5% 7%, वन कैन गो लॉन्ग इन द मार्केट। सही बात है, आपने इंट्राडे और पोजिशनल व्यू तो समझा दिया, लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान है, मनोज झा हैं, एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो 2024 का गोल्ड का आउटलुक का जो आयोजन किया था और जिस तरह के रिस्पॉन्स दिखे थे और जिस स्केल पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हर तरह के एक्सपर्ट्स को आप वहां पर एक साथ एक मंच पर लेकर आए, इससे पूरा व्यू मिल गया, 360 डिग्री व्यू मिल गया कि आगे बचे हुए महीने में 2024 में गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, किस तरह ये थीम थी और क्या वहां पर निकल कर आया, एक जिस्ट अगर आप बता दें हमारे दर्शकों को ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि जो ये अगला जो छमाही होगा गोल्ड के लिए कैसा रहने वाला है। जी नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। कामाख्या गोल्ड आउटलुक जो है ये हर साल हम लोग करते हैं और इसमें इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज हैं, चाहे बुलियन के तरफ से हों या बैंकर्स हों या एनालिस्ट हों या एक्सचेंज के तरफ से लोग हों, और चाहे लार्ज रिटेलर हों, चेन स्टोर हों, मीडियम रिटेलर हों, स्मॉल रिटेलर हों, तो जितने भी पहलू हैं पूरा एक गुलदस्ता बनाया जाता है एक्सपर्ट्स का, और ये हर साल एक राउंड टेबल मीटिंग होती है और उसमें हर तरह की चर्चाएं होती है जिसमें ये बताया जाता है कि क्यों गोल्ड जो है नीचे की तरफ अगर जाता है या ऊपर की तरफ जाएगा क्यों जाएगा। और इस जो इस राउंड टेबल मीटिंग है इसकी मेन जो उद्देश्य है वो हमारे देश के जितने भी मीडियम और स्मॉल ज्वेलर हैं उनको एक दिशा निर्देश हो सके कि ये साल गोल्ड किस तरह का हो सकता है और उससे आप अपनी बाइंग कैसे कर सकते हैं, अपना स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरह से खरीदें, किस तरह से बेचें, तो वो उनको एक सही दिशा निर्देश मिल पड़े। और इसका कोई भी ट्रेडिंग व्यू नहीं होता है इस मीटिंग का, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से किया जाता है और ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ के लिए किया जाता है। इस बार हमने 17 तारीख को जियो सेंटर में किया था और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया,
जितने भी एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने तेजी बताई, कुछ लोगों ने मंदी बताई। मैं खासकर मैंने अपना व्यू जो है वो ऐसा रखा कि शायद गोल्ड आपको $2200 के नीचे दिखेगा और आगे में तेजी में तेजी $2500-2500 के आसपास दिख सकता है। लेकिन ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कहा कि 3000 तक की डॉलर की आपकी ऊंचाई इस बार देखने को मिल सकती है, $3200 तक की भी ऊंचाई को आप छू सकते हो अगर कुछ ऐसे पर्टिकुलर जियो पॉलिटिकल टेंशन आ जाए या डी डॉलराइजेशन में कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाए तो शायद आपको गोल्ड में काफ़ी बड़ी तेजी भी दिख सकती है। साथ में ये भी कहा गया, मैक्सिमम एक्सपर्ट्स का ये भी सोच था कि जो गोल्ड है उसके सामने चांदी जो है इस साल ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी, ये मेजोरिटी लोगों का ये ऐसा सोच था। बिल्कुल अच्छी बात है, आप एक बार दायरा एक बार फिर से बता दो कि जो एक्सपर्ट्स थे वो नीचे की तरफ 2100 से 2200 कॉमेक्स पर ऊपर $3200 का टारगेट दे रहे थे। हालांकि पर्सनली भी मैंने कई ज्वेलर से बातचीत की थी तो उन्होंने नीचे की तरफ 70,000 घरेलू बाजार के लिए और ऊपर की तरफ 80,000 का रेंज उन्होंने 2024 के बचे हुए महीने के लिए बताया। लेकिन चांदी में जिस तरह की तेजी आई थी, अब उस तेजी के बाद आज भले ही थोड़ा रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा लेकिन आगे की चाल किस तरह की मनोज जी रह सकती है, क्या लग रहा है आगे, क्या ये तेजी आपको कंटिन्यू होती दिख रही है, गोल्ड को आउटशाइन कर सकती है चांदी आगे? जी, आपके चैनल पे मैंने पहले भी बताया है कि चांदी जो है वो कहीं ना कहीं गोल्ड के सामने आउट परफॉर्म करेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पूरे वर्ल्ड में पिछले कुछ सालों से चांदी का जो खपत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या रिटेल हो या जिस भी तरह से आप देखने जाएं तो गोल्ड के सामने चांदी की जो खपत है वो कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके सामने जो हमारा इनपुट है, जो उत्पादन है, उतना चांदी का नहीं है। तो इसलिए चांदी को उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, जबकि आज भी गोल्ड का ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसके सामने जो उसकी खपत है वो सामने कम है। तो दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है और जो गोल्ड और चांदी का जो रेशियो है वो अब बहुत कम हो गया, वो 80:20 के आसपास हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जो डिप आएगी आगे, जो उसमें आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, उसमें आप सोने के बदले अगर चांदी में निवेश करें तो आपको ज्यादा फ्यूचर में जो है उसका रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। चलिए मनोज जी, आपने गोल्ड और सिल्वर दोनों पे बता दी लेकिन आप एक इंडस्ट्री के हिसाब से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि अब एक ज्वेलर के तौर पे अगर आपकी फिजिकल पोजीशन है, आप गोल्ड कैरी कर रहे हैं या कहीं पे हेज कर रहे हैं, तो फिर प्राइस का टारगेट देना ज्वेलर के लिए सही है क्या? ये काम एनालिस्ट पे नहीं छोड़ देना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत सही सवाल किया आपने सर। ऐसा है कि एक एनालिस्ट भी कभी कोई कहीं पे मंदी में रह सकता है, कहीं से कोई तेजी में रह सकता है और वो जाके अपना व्यूज दे सकता है। लेकिन एक ज्वेलर जनरली, जो नॉर्मल ट्रेंड है कंट्री में, ज्वेलर बहुत कम अभी भी हेज करते हैं और बहुत सारे ज्वेलर जो हैं वो गोल्ड मेटल लोन लेते हैं। और गोल्ड मेटल लोन में क्या होता है कि वो जब भी अपना माल बेचते हैं तो वो गोल्ड मेटल लोन में उतना गोल्ड अपना कट कर लेते हैं, तो उनको कहीं भी गोल्ड हेज मतलब में पोजिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जो ट्रेडर्स होते हैं वही केवल किसी इंस्टीट्यूशन जितने भी कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं उस पे मंदी या तेजी करते हैं। पर्सनली अगर मुझे पूछेंगे तो मैं कभी भी कोई भी इस पे क्या कहते हैं एक्सचेंज पे ना मंदी करता हूँ ना तेजी करता हूँ। हाँ, हमारी कंपनी का गोल्ड मेटल लोन है ICICI बैंक का और वो लोन है, वो जब भी हमारा उतना अमाउंट का सेल हो जाता है तो हम वो रेट क्या कहते हैं इस पे कट कर लेते हैं बैंक रेट्स के साथ। तो ये अगर हमने अपने स्टडी के हिसाब से, अपने पढ़ाई के हिसाब से अगर हमने अगर कहीं आउटलुक दिया है तो ये हमारा डिस्क्लेमर भी है कि मैं कभी भी कोई तेजी या मंदी का सौदा किसी भी एक्सचेंज पर नहीं करता हूँ। बिल्कुल डिस्क्लेमर जरूरी है क्योंकि अगर आपकी फिजिकल पोजीशन रहती है तो व्यू ऐसा ना हो कि बायस्ड व्यू हो, लेकिन आपकी कोशिश बहुत सराहनीय थी क्योंकि आप देश के तमाम दिग्गज ज्वेलरी इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज और साथ ही बैंकर्स के साथ साथ एनालिस्ट लोगों को आप वहां पर जुटा पाए और उनका व्यू आपने जानने की कोशिश की, वो लोग क्या सोचते हैं गोल्ड के मार्केट को लेकर। साथ ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भी CEO रीजनल CEO सचिन जैन भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने डिमांड को लेकर पूरा आउटलुक लोगों के सामने रखा। शुक्रिया मनोज जी इस तरह के आयोजन के लिए और लोगों को बताने के लिए कि गोल्ड का मार्केट आगे 2024 में किस तरह का रह सकता है। लेकिन चलिए इस मौके पे हमने शुभांकर सेन जो MD हैं सेनको गोल्ड के, उनसे भी बातचीत की थी, उन्होंने गोल्ड डिमांड को लेकर, प्राइस आउटलुक को लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए ये जो प्राइस जो जंप हो रहा है ना,
तो वो अनएक्सपेक्टेड है। हम लोगों के कैलकुलेशन में अगर देखा जाए, जिस हिसाब से फेड इंटरेस्ट रेट को डिले कर रहे हैं या जो भी हो रहा है वर्ल्ड में, इतना जंप हम लोग सोचे नहीं, तो कंज्यूमर्स भी कंफ्यूज हो गए। इस बार मई में अक्षय तृतीया था, तो अक्षय तृतीया के लिए एक ऑस्पिशियस लोकेशन है, कस्टमर्स आए खरीदे। हम लोग देख रहे हैं कि जो जिनका वेडिंग है साल के एंड में, तो वो लोग भी पैनिक कर रहे हैं कि अगर प्राइस और बढ़ गया तो क्या होगा, तो वो सोचते हुए वो लोग अभी से थोड़ा थोड़ा करके बाइंग चालू कर दिए। पर ये एक फैक्ट है कि जब प्राइस इतना जंप हो जाता है तो फिजिकल डिमांड, लोग वेट कर लेते हैं कि ये प्राइस क्या ऐसा रहेगा कि गिर जाएगा, तो डिमांड तो क्वांटिटी में डाउन होना है। वॉल्यूम में डाउन हो रहा है, वॉल्यूम में डाउन तो होगा क्योंकि लोगों का बजट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। और ये जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं जिनको खरीदना है, वो लोग सोच सकते हैं कि थोड़े दिन बाद ही देख लेते हैं, अभी नहीं खरीदना है, तो ये पूरा ओवरऑल एक क्वांटिटी में फॉल हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, वॉर सिचुएशन जो ग्लोबली हो रहा है, डी डॉलराइजेशन, लोग डॉलर्स बेच के चाइना रशिया, वो लोग गोल्ड खरीद रहे, तो ये फिजिकल डिमांड के लिए प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ये कंट्रीज का जो सेंट्रल बैंक से वो लोग गोल्ड खरीद रहे, ये वॉर में कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर पाए इसके लिए खरीद रहे, तो ये एक अलग ही माहौल है, वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल जैसे बोलता है उस हिसाब से, तो इसके लिए गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। और हम लोग का फ्यूचर में जिस हिसाब से ये ग्रेट जा रहा है, वी वोंट बी सरप्राइज कि 80,000 के आसपास गोल्ड चले जाए, और सिल्वर का जो 90,000 क्रॉस कर लिए, तो ये मतलब 1,00,000 रुपया होना भी कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो यानी जो तेजी आपको दिख रही है, ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी। ये थे शुभांकर सेन, जो एमडी हैं सेनको गोल्ड के, जो गोल्ड और सिल्वर पर बता रहे थे कि जिस तरह की तेजी आई है। उन्होंने कहा कि डिमांड तो इनिशियली कम दिखा, लेकिन धीरे धीरे लोग उस प्राइस को डाइजेस्ट कर रहे हैं और डिमांड भी बढ़ रही है। और प्राइस को लेकर भी उन्होंने कहा कि आगे भी ये तेजी जारी रह सकती है, एक नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन आगे लंबी अवधि में ये तेजी बनी रहेगी। चलिए अपने एनालिस्ट की तरफ लौटते हैं। दिव्या, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की रैली चल रही है, आज छोड़ दें लेकिन जिस तरह की तेजी है, इस तेजी के बाद अब आप अपने क्लाइंट्स को, ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे, हमारे दर्शकों को क्या सलाह दे देना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी, कल गोल्ड प्राइस की बात करूं तो जो हमें अच्छी खासी रैली देखने मिली थी ये महीने में, ऑलमोस्ट प्राइसेस 4% ऊपर है। मेन जो से सपोर्टिंग फैक्टर्स है कि जो रेट कट का जो एक्सपेक्टेशन है लेटर दिस ईयर, और साथ ही जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसके वजह से प्राइसेस में हमें बाइंग देखने मिल रही है। एडिशनली मैं इसके देखूं तो सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो भी हो रही है, इतने हाई भाव पे, पर्टिकुलरली चाइना, तो प्राइसेस को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और अगर जैसे कि हमारे एक्सेसिव क्लाइंट्स है, तो उसके हम लोग एडवाइस यही कर रहे हैं कि कोई भी करेक्शन आ रहा है तो वहां पे बाय करके चले, अभी एज ऑफ नाउ सेलिंग नहीं करे जब तक हमें कोई फेड के तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आता ऑफिस, क्योंकि अभी ये वीक में फेड के मिनट्स आने वाले हैं, तो उससे हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि उनका क्या रवैया होगा लेटर दिस ईयर, वो रेट कट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले। तब तक ट्रेंड के साथ ही चले और बाय ऑन डिप्स करते रहे। इंट्राडे की मैं बात करूं तो 73,700 का लेवल है, वहां पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 73,500 का रखे और टारगेट ऊपर में 73,950 का रखे। और चांदी की मैं बात करूं, चांदी में हमें एक यूफोरिया रैली देखने मिली है, प्राइजेस ऑलमोस्ट 11 साल का हाई मारा येस्टरडे कॉमेक्स में, $32 के आसपास गया जा चुका है। फैक्टर्स सब स्ट्रॉन्ग है, जो इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो रैली आई हुई है उसने सिल्वर को सपोर्ट किया है, और साथ ही साथ जो गोल्ड के अंदर जो रैली आई है तो सेफ इवन बाइंग हमें सिल्वर में भी देखने मिला हुआ है, तो सिल्वर भी हम लोग बाय करके चल सकते हैं। इंट्राडे में 93,400 के आसपास आते हैं तो वहां पे बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 93,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 94,000 का मेंटेन करके चले। यानी आपका कहना यह कि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, इसलिए बाइंग में रहना ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ना करे, क्योंकि इस तरह की तेजी के बाद एक बड़ा करेक्शन भी आता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। भाविक, आप बता दीजिए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी, देखिए गोल्ड में अगर देखे तो आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, जो बहुत छोटे बहुत करेक्शन आते हैं आई थिंक वो प्रॉफिट बुकिंग पे ही रहेंगे, तो इंट्राडे अगर किसी को बाय करना है तो मैं गोल्ड में ही रिकमेंड करूंगा, बट ऑप्शन के वाया मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है तो वॉलीटिलिटी भी थोड़ी बढ़ सकती है, तो 73,000 का जो कॉल है वो अगर थोड़ा डिप मिलता है 1020 के करीब तो बाय कर सकते हैं 1150 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 920 का। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में मैं थोड़ा अवॉइड की रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि ओवरबॉट सिचुएशन में आ चुकी है, और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि लास्ट 5 साल में 4 बार जब हिस्टोरिकली इतने ओवरबॉट होते हैं
तो 8 से 10 हजार का एक करेक्शन दिखने को मिला था। तो आई थिंक चांदी कंप्लीटली अवॉइड करें, अगर पोजीशन हो तो इंट्राडे रखिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से रखिए, ओवरनाइट कैरी मत कीजिएगा। ओवरनाइट कैरी नहीं करने की सलाह चांदी में भी और गोल्ड में भी, आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह भाविक की तरफ से आ कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में कॉपर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे क्योंकि कॉपर में जोरदार तेजी दिख रही है। एलएमई पर कल नया रिकॉर्ड बना, $11,104 प्रति टन के पार निकल गया। पिछले हफ्ते से ही कॉमेक्स पर लगातार ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है। वजह क्या है? तो वजह यह है कि कॉमेक्स पर शॉर्ट स्क्यूज से एलएमई से वहाँ पर ज़्यादा प्रीमियम मिल रहे हैं। शॉर्ट स्क्यूज से यूएस में सप्लाई बढ़ी है और जो दूसरे रीजन है वहाँ पर सप्लाई की चिंता हो गई है। साथ ही चीन में एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ आगे इन्वेंट्री घटने की भी संभावना बढ़ी है और लीडिंग इम्पोर्टर है चीन कॉपर का, और वहाँ पर आगे जिस तरह से राहत पैकेज दिए जा रहे हैं, अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, इकोनॉमिक नंबर्स में सुधार दिख रहा है, तो वहां पर डिमांड आगे बढ़ने की संभावना है। तमाम ऐसे फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही रूस के एक्सपोर्ट पर जिस तरह से पाबंदी लगी है उससे भी सप्लाई पर काफी असर हुआ है, लेकिन आगे किस तरह की डिमांड रहेगी, क्या भाव होंगे, जिगर आप बताइए क्या लग रहा है कॉपर को लेकर जिस तरह की तेजी आई है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी? इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि ये अगला कहीं क्रूड ऑयल जैसी रैली ना यहां पर देखने को मिले, आप क्या कहेंगे? कॉपर में फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है जो रीजन आपने बताया, उसके अलावा एक और रीजन मैं बताना चाहूंगा। लास्ट वीक जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से चाइना पे सैंक्शंस लगे हुए थे बेस मेटल्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, सो मुझे लग रहा है ये भी मार्केट को शॉर्ट टू मीडियम टर्म सपोर्ट करेगा। $12,000 का एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस है एलएमई पे एंड इट इज वेरी मच लाइकली कि ये लेवल हिट करेगा। MCX की मैं बात करूं, yes, we have seen a very strong rally, लेकिन जो अंडरटोन है वो अभी भी पॉजिटिव है एंड वी रिकमेंड टू गो लॉन्ग इन कॉपर। So, May contract by around 9:30, stop loss should be 9:27, target 9:36. तो आपको लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू होगी और आज इंट्राडे के लिए भी आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं इस गिरावट पे, 930 के आसपास मौका मिले तो खरीदे, 936 तक। आप दिव्या क्या मानते हैं पूरे मेटल्स में और कॉपर पर खास तौर से राय दीजिए? कॉमेक्स कॉपर की बात करूं तो हमें लास्ट वीक में पहली बार $5 के ऊपर क्लोजिंग देखने मिला जो कि बुलिश साइन है प्राइसेस के लिए। एमसीएक्स में भी कॉपर जो है हम लोग बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं, 928 के अराउंड आता तो बाय करके चल रहे, स्टॉप लॉस हम 924 का रखें और टारगेट ऊपर में 924 रखें। आपको भी लग रहा है कि कॉपर खरीदना चाहिए, 938 रुपए तक जा सकता है और खरीदारी का लेवल केवल आपका अलग है 928 पे। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है मेटल्स पर और कॉपर पर? जी मुझे भी लग रहा है कि कॉपर में जो तेजी आई थिंक बरकरार रह सकती है, 950 के करीब में भी शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है और इसमें भी अगर कोई भी डिप मिलती है अराउंड 928 तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 938 के टारगेट के लिए, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 922 का। तो ये व्यू आप तीनों एक्सपर्ट्स के आपने सुन लिया कि क्या करना चाहिए आपको मेटल्स में और कॉपर में क्या करना चाहिए। क्रूड की बात करते हैं, क्रूड पर आज दबाव दिख रहा है, डिमांड की चिंता यहाँ पर हावी हो रही है, क्या करें जिगर, कच्चे तेल में किस तरह की चाल दिख रही है आपको आगे? WTI ऑयल में हमने देखा कि $80 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं किया एंड कल भी प्रेशर था मार्केट में और आज भी है, मुझे लग रहा है किसी भी उछाले पे यहाँ बिकवाली रिकमेंडेड है। जून कॉन्ट्रैक्ट सेल अराउंड 6600, 6640 स्टॉप लॉस, 6520 ईस्ट आज। क्रूड में आप क्या कॉल दे रहे हैं आज? देवे आपसे मेरा सवाल था कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? कच्चे तेल में बात करूँ तो हमें जो करेक्शन देखने मिला था जैसे कि आपने कहा कि डिमांड कंसर्न की वजह से और साथ ही साथ जो ईरान के प्रेसिडेंट की जो डेथ हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि सिचुएशन जो है मिडल ईस्ट में एस्केलेट होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो एक वन ऑफ द रीजन है कि हमें करेक्शन देखने मिला। पर ओवरऑल जो ग्लोबल टेंशन जो अभी भी बना हुआ है क्योंकि यूक्रेन ने जो अटैक किया था रशियन रिफाइनरीज पे और हाउथी ने भी स्ट्राइक किया था चाइना के जो ऑयल टैंकर पे, तो उसके वजह से एक सप्लाई कंसर्न बना रह सकता है। और ओवरऑल अगर हम देखें डेली चार्ट पे तो प्राइस ने जो है 100 डेज का मूविंग एवरेज लगातार टेस्ट किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो जब तक प्राइस 6400 के ऊपर क्लोज नहीं देते उसके नीचे तब तक हम बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं। 6500 का कॉल ऑप्शन है वो 190 के अराउंड बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 160 का रखें और टारगेट ऊपर में 240 का मेंटेन करके चले। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से कच्चे तेल को लेकर है जी। एक बार दिव्या की कॉल दिखा दीजिए कि क्रूड पर इन्होंने 6500 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दी है 190 पे, टारगेट 240 का यहाँ पर दिया है। भाविक
आप बताइए नेचुरल गैस पर, नेचुरल गैस अच्छी तेजी आ चुकी है, क्या आगे ये तेजी कंटिन्यू होगी? आज आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी दिख रही है, लेकिन ओवरऑल आप देखें पिछले 15-20 दिनों में जिस तरह की रैली आई है, क्या लग रहा है आगे अब क्या करें एनजी में? आई थिंक ये जो अपसाइड है वो थोड़ा कंटिन्यू रहेगी, हालांकि मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि टेक्सास में अगर देखें तो अभी भी हीटिंग डेज है वो दिखा रहा है, तो वहाँ से कूलिंग डिमांड रहेगी। और हमने देखा है कि 2 महीने पहले जो US के नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों ने वॉलेंटरी प्रोडक्शन कट किया है, तो उसकी वजह से अभी देखें तो इन्वेंट्रीज थोड़ी कम हो रही है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो पहले 160 से 180 का एक रेंज है, अभी वो शिफ्ट होके 200 से 230 की रेंज हो गई है। मुझे लग रहा है कि अभी कोई भी डिप मिलती है एटलीस्ट इंट्राडे तो बाय के करके चल सकते हैं, अराउंड 225, 230 का ऊपर का टारगेट रख सकते हैं, 232 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, आप भी जिगर बाई करना पसंद कर रहे हैं नेचुरल गैस में आज? जी बिल्कुल विश्व मोहन, मेरा यहाँ पे ऑप्शन में कॉल रहेगा 230 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करके चले 6.1 के आसपास, एंड 24th मई की एक्सपायरी, एंड 3 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस 12 रुपीज का टारगेट के लिए। ओके, 230 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह। दिव्या आपकी भी सिमिलर कॉल है, दो बाई कॉल आ रहे हैं, आपकी क्या कॉल है नेचुरल गैस पर? मेरा भी सिमिलर व्यू रहेगा, 220 का जो कॉल ऑप्शन है नेचुरल गैस का, वो 8 रुपीज का बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 6 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 11 का मेंटेन करके चले। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट पर फटाफट राय ले लेते हैं। भाविक सबसे पहले जीरे पर बताइए, जबरदस्त तेजी यहाँ पर दिख रही है, 29,000 के ऊपर आ चुका है, क्या भरोसा करें इस तेजी पे? 29,200 के ऊपर है, क्या ये तेजी कंटिन्यू आगे भी होगी क्या? मुझे लग रहा है विष्णु जी यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तेजी जो देखने वाली थी, क्योंकि इसकी वजह से एक इफेक्टर था कि नीचे के प्राइसेस थे तो वहां से थोड़ी डिमांड आई थी, और दूसरा ये था कि जो फार्मर्स से अपने माल मंडी में नहीं ला रहे थे इतने प्राइसेस नीचे के प्राइसेस पे। अभी कोई सप्लाई डिसरप्शन नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन है वो भी फिनिश हो गया है, तो भाई माल आना चाहिए मंडियों में, और मुझे लग रहा है ये प्राइसेस अच्छे हैं फार्मर्स के लिए। आगे अगर देखें तो काफ़ी माल पड़ा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये 30,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। ये थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है अभी थोड़ी स्पेकुलेटिव ये पोजिशन हो चुकी है, तो 30,000 से 32,000 के मुझे लग रहा है कि वहाँ पर एटलीस्ट प्राइस थोड़ा टॉप आउट होना चाहिए, और थोड़ा बहुत करेक्शन वापस से 28,000 से 27,000 तक देखने चाहिए। ओके, हल्दी भी शानदार तेजी दिखा रही है, 5% ऊपर है 18,750 के ऊपर, क्या करना चाहिए हल्दी में अब भाविक? हल्दी में आई थिंक बाय करना चाहिए। देखिए 20,000 से हमने लगातार करेक्शन देखने को मिला है, 17,700 के से 17,500 के करीब तक था, क्योंकि इतने प्राइसेस पे जो डिमांड थी वो थोड़ी कम हो गई थी, और जो अराइवल जो थे वो भी थोड़े पीक हो गए थे, तो अभी मुझे लग रहा है कि आज के दिन के जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये वापस से 20,000 के करीब हम प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डिमांड नीचे से वापस शुरू हो चुकी है, तो कोई भी डिप मिलती है अराउंड 18,200-18,300 के करीब, तो 17,600 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का अभी भी मुझे लग रहा है टारगेट 19,500 से 20,000 तक आ सकता है। ओके, और धनिया में क्या करना चाहिए? धनिया 75,000-7,500 के ऊपर है, क्या करें, खरीदे क्या भाविक? जी जरूर से, आई थिंक धनिया में भी मुझे लग रहा है कि अगर मेरे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में टॉप पिक रहेगी तो मुझे लग रहा है धनिया है, क्योंकि वो इतना चला भी नहीं है और उसके फंडामेंटल्स अगर देखें तो वो स्ट्रांग है, तो करंट मार्केट प्राइस से ही धनिया को बाय कर सकते हैं 73.30 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 76.20 का। तो खरीदारी की सलाह धनिया में आ रही है। शुक्रिया भाविक आपका, जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए मुनाफे की मंडी में इतना ही।